हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशन चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। मैं आपको बता दूं, क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 3rd करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। बात करते हैं इसके यूज की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके लिए जैसे कि हम कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते टाइम उस पर लिखते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इस पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और समझने के भी। सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले इसके यूज की बात करेंगे कि हमारे लिए क्या यूजफुल है, होता कैसा है, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पहले वो टॉपिक पढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसके यूज क्या क्या है, हम इसकी हेल्प से कर क्या क्या सकते हैं। सबसे पहले इसके डायग्राम के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, कभी आप देखकर पहले ही डर जाए तो डेंजरस है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल सॉफ्टली डिस्कस कर लेंगे। मैंने इसलिए प्रिपेयर करें जिससे कि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। अब हम बात करते हैं थोड़े इसकी यूजेस की। अगर मैं बात करूं कि पोटेंशियोमीटर का यूज कहां किया जाता है, आपने देखा होगा एक नॉर्मल सर्किट में, जैसे कि मेरे पास कोई भी रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस एक पैरेलल मेरे पास वोल्टमीटर लगा देते। वोल्टमीटर क्या काम करता था, ये वोल्टेज को मेजर करता था, उस सर्किट में वोल्टेज क्या है बोल सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं एमीटर भी लगा देते हैं। एमीटर भी हमारे पास यही क्या काम करता था, वो करंट की रीडिंग करता था कि करंट कितना है हमारे पास, ये तो चेक करते थे। सेम ये ही यहाँ पर पोटेंशियोमीटर करने वाला है, हमारे पास क्या करेगा, पहली बात तो नाम से क्लियर होना, पोटेंशियोमीटर मीन्स पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला है। पहला यूज क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग्स, अगर मेरे पास बैटरी में, जैसे कि मेरे पास बैटरी में एक ईएमएफ लगा हुआ है, मान लेते हैं ये मेरे पास बैटरी में ईएमएफ है, वोल्ट की बैटरी है, सो ये मुझे कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास दो बैटरी हुई तो दोनों बैटरी में मुझे अगर कंपैरिजन करना हुआ ईएमएफ का, तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं किसकी हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। कंपैरिजन मींस क्या हो गया, कंपैरिजन मींस उनका रेशियो, ई1 अपॉन ई2 भी हम फाइंड कर सकते हैं किसकी हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। ध्यान रखना है पहला यूज क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का पता लगाया जा सकता है। पोटेंशियोमीटर कौन सा वाला, बिल्कुल अभी बताऊंगा, एक्यूरेट होता है थोड़ा सा, मतलब बोल सकते हैं ना कन्वेंट हमारे पास वैल्यू मिलती है वो यहाँ से मिलती है, एक्यूरेट यहाँ से मिलती है, उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यूजेस में पहला हमारे पास पीडी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, उनके रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं, रेशियो बोल सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं दो सेल के मिड में। थर्ड, अगर हम बात करूँ तो क्या फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पर इसे बोल सकते हैं एरर ऑफ वोल्टेज, एरर ऑफ एमीटर, दोनों के बीच में कैलिब्रेशन बोलते हैं, यानी कि वोल्टेज का और एमीटर का दोनों का हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एरर फाइंड कर सकते हैं। एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट आप सुनते हैं अच्छे से। मेरे पास कोई बैटरी है, बैटरी में मेरे पास करंट पास हो रहा है, ये करंट पास हो रहा है, स्विच मेरे पास क्लोज है। अब आप एक छोटा सा पॉइंट अच्छे से समझना है आपको, सिर्फ एक थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। मान लेते हैं बैटरी के जो वोल्ट है ना, वो 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, 10 वोल्ट यहाँ पर मैं मैंशन कर देता हूँ, 10 वोल्ट की मेरे पास बैटरी है। जब 10 वोल्ट करंट यहाँ से पास होगा, जब करंट यहाँ पर पास होगा, ये जंक्शन है आपको दिख रहा है अच्छे से, तो यहाँ से जब करंट पास होगा, वोल्ट मीटर अपनी रीडिंग कब बताता है, जब थोड़ा बहुत करंट उससे पास होगा, ऑब्वियस है। लेकिन जब करंट यहाँ से पास होगा, थोड़ा बहुत करंट इधर जाएगा, थोड़ा इधर, तो जिसकी रीडिंग है वो अप्रोक्स 10 ना आकर 9.5 वोल्ट आएगी, मीन्स लेस देन 10 आएगी। क्योंकि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बेसिक समझते हैं, जब यहाँ से करंट पास होगा, जब करंट पास होगा तो ऑब्वियस ही बात है वायर में थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होने वाला है, जब वायर में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा, थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम हो जाएगा तो वी भी कम हो जाएगा, क्योंकि वी और आई दोनों आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वी कम होगा, आई कम होगा, तो वी भी कम हो गया। जब वी यहाँ पर 10 था, यहाँ पर आते थे थोड़ा बहुत कम होगा, ये रीडिंग कितनी कर पाएगा, 9.5 मीन्स एक्यूरेट नहीं रीडिंग कर पाएगा। इट मीन्स जो हमारे पास वोल्टेज मेजर करता है, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, जब हम वोल्टेज का यूज करते हैं, ये उस सर्किट में जो वोल्टेज मेजर करेगा, ये हमें सिर्फ कन्वेंट वैल्यू देता है, जब अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास हो हम उसे यूज कर सकें, बोलते हैं ना काम चला सकें, वहां तक इसका यूज करते हैं। अगर बात करते हैं बिल्कुल एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस की, तो उसके लिए हमें वोल्टेज ना यूज कर किसका यूज करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यूज करना पड़ेगा। ध्यान रखना है किसके लिए, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ये यहीं पर लिख लेते हैं, यहाँ पर मैंने बताया था क्या, कैलिब्रेशन बताया था। अब मैं बताऊँ कैलिब्रेशन क्या है, मेरे पास ये 10 वोल्ट था, इसने मेजर किया 9.5, यानी कि इससे एक मिस्टेक हो गई, एरर जिसे हमने बोलते हैं 11th क्लास में पढ़ा है, तो इससे जो मिस्टेक हुई कितनी हुई, 0.5 वोल्ट की, इसे बोलते हैं एरर। तो एरर किसका है, वोल्टेज का, ऐसे हम करंट का एरर भी किसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, इसकी हेल्प से। इससे हम पता करेंगे ये 10 था, और हम जब इसकी हेल्प से पोटेंशियोमीटर की हेल्प से अगर मैं यहाँ पर सर्किट में चेक करूँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यही 10 है, तो 10 ही आएगा। इट मीन्स मुझे अब मैं कंपेयर करूंगा कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस से, ये मेरे पास पोटेंशियोमीटर था तो इसकी हेल्प से मेरा आंसर आया 10 और वोल्टेज की हेल्प से आया 9.5, यानी कि मेरा ये वाला तो एक्यूरेट है,
एक्यूरेट वैल्यू किसने दी, इसने दी। सो ध्यान रखना है एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस यूज निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है पोटेंशियोमीटर का, और ये हमें सिर्फ कन्वेंट वैल्यू देता है जो हम सिर्फ यूज कर सकते हैं नॉर्मली। ज्यादा ध्यान रखना है ये कॉन्सेप्ट को, अच्छे से क्लियर हो गया यूज का, एरर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। हम करंट का भी ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट का भी यहाँ से हम क्या वो एरर फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का भी। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, यूजेस हमारे सब लगभग लगभग सभी क्लियर हो गए कि क्या क्या इसके यूज थे, क्या क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को इरेज कर देता हूँ, अब इसकी बेसिक की बात करते हैं, इसके डायग्राम की। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें यूज पता लगे, लेकिन इसमें ये बना कैसे, कैसा है कि ये सर्किट है या फिर क्या कहते हैं, मैं इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता हूँ। मैं आपको बताऊँ दो चीजें, एक तो हमारे पास डिवाइस होता है, एक सर्किट होता है, पोटेंशियोमीटर। एक्चुअली कुछ मीटर से सोच रहे होंगे जैसे वोल्ट मीटर है, हम घर पे स्टेबलाइजर में लगा रहते हैं, डिवाइस की तरह यूज होता है, लेकिन ये एज ए डिवाइस नहीं यूज होगा। ये किसकी तरह यूज होगा, सर्किट की तरह यूज होने वाला है। किसकी तरह, सर्किट की तरह, डिवाइस नहीं होगा। ध्यान रखना है गाइस, हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा क्या, सर्किट होगा। सर्किट का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और मैं बता दूं आपको, क्यों होगा सर्किट ये भी सुन लीजिएगा। इसका जो साइज जो होता है ना, थोड़ा सा बड़ा होता है, अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं आप इतना बड़ा कुछ अप्रोक्सीमेटली साइज होता है। बात करते हैं वहीं पर वोल्टेज की, वोल्टेज थोड़ा सा होता है, कन्वेंट होता है, मतलब इधर से इधर लेके जा सकते हैं और क्या कहते हैं, और छोटे मोटे सर्किट में यूज कर सकते हैं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का साइज बड़ा होता है, इसलिए इसे, और ये सर्किट क्यों है इसका भी रीजन सुनिएगा। सर्किट इसलिए है कि मैं से अपनी अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस, मुझे जितना भी जैसे माना ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जितना इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं डीप से, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैसे ये पूरा सर्किट प्रिपेयर्ड हुआ है, अच्छे से सुनते हैं। ये मेरे पास कुछ स्ट्रिप्स लगी है, कॉपर की स्ट्रिप्स, ध्यान रखना है ये कॉपर स्ट्रिप्स है, ठीक है। कॉपर स्ट्रिप्स क्यों लगी ये भी मैं बताऊंगा। ये वायर है, वायर में मैंने यहाँ पे एक स्केल बना हुआ होता है ऑलरेडी, आप यहाँ पे स्केल को यहाँ पे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्केल आपने यहाँ पर स्केल है, स्केल आपने देखा होगा हमारे पास सेंटीमीटर में और मिलीमीटर वाला स्केल जो होता है 15 सेंटीमीटर वाला, ऐसे यहाँ पे एक स्केल बना होता है, उस पर रीडिंग ध्यान रखना है। जो वायर है ये मेरे पास मिनिमम 10 मीटर होनी चाहिए, 10 मीटर से जैसे ही ऊपर जाऊंगा, जितने भी हमारे पास लेंथ ऑफ वायर अच्छी होगी उतने ही हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप अच्छा पता चल जाएगा। मीन्स जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा, लेकिन ध्यान रखना मिनिमम कितनी 10 लेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर ध्यान रखना है लेंथ ज़्यादा हो जाती तो एक पैरेलल लाइन जो है 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर के लिए, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर यानी कि 400 सेंटीमीटर कुछ ऐसे लेंथ लिए, आप 10 मीटर मिनिमम लेते हैं, ज़्यादा नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने 4 लाइन ले ली जिससे मैं अच्छे समझ सके कॉन्सेप्ट को। अब मिनिमम 10 मीटर लेंथ होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। ये वायर है, वायर बनी किसकी है, ये मेरे पास एलॉय की वायर होती है। क्यों एलॉय की होती है, क्यों होती है, इसका भी रीज़न अभी पता चलेगा। एलॉय कौन सा होता है हमारे पास, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन ये एलॉय होते हैं। एलॉय ही क्यों यूज करे जाते हैं यहाँ पर, एलॉय इसलिए क्योंकि एलॉय की हमें छोटी सी क्वालिटी पता है क्या, इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। ये चीज़ यहाँ लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस होता है हाई इसका। और बात करते हैं इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, लो होता है अल्फा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों ही कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th की फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका आर्टिकल भी हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। सो ये हमारे पास एलॉय की क्वालिटी होती है, एलॉय लिया क्यों, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। अब रेजिस्टेंस हाई है इसलिए वायर है मेरे पास, ये वायर किसकी है, दोनों एलॉय की। एग्जाम में पूछा जाता है जो पोटेंशियोमीटर में वायर यूज की जाती है वो किसकी बनी होती है, मेटल होता है, अब बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के हमारे पास ये होते हैं। तो ये दोनों ही एलॉय हैं, एलॉय की क्वालिटी मैंने आपको बता दी, ये छोटे छोटे पॉइंट है याद रखने वाले, पहला। और सेकंड पॉइंट क्या है, ये वाला कॉपर क्यों है, कुछ जो स्ट्रिप्स लगी है कॉपर की क्यों लगी है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें हाई होगा एलॉय में, इनमें हाई ना हो जाए, करंट इनमें से पास होते टाइम कम पास होगा, इसमें अच्छा फ्लो होना चाहिए, क्योंकि जब ये पोटेंशियल ड्रॉप चेक करना है वो वायर में चेक करना है, ना कि मुझे स्ट्रिप्स में चेक करना है। तो इसलिए सिर्फ हमने कॉपर की यूज़ किया जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वहाँ पर ज़्यादा ड्रॉप ना हो, जिससे हमें उससे ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, तो इसलिए कॉपर की यूज़ की जाती है। ये ध्यान रखना है, ये मैंने छोटी भी बनाई है, ये सब कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या किया, 400 सेंटीमीटर की वायर ले ली, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, 0 से लेके 400 तक, इसके बीच में क्या क्या आया सब बता दिया, ये बता दिया, वायर क्लियर हो गया, स्टेप्स क्लियर। अब ये पॉइंट अभी बताएंगे 400 के बाद। अब मैं पॉइंट ए पर एक बैटरी या बोल सकते हैं ड्राइव सेल ऐड करता हूँ। बैटरी ड्राइव सेल का मीनिंग क्या है, मैं आपको बैटरी लिख देता हूँ, ड्राइव सेल भी लिख सकते हैं, ड्राइव सेल, सेल इसलिए लिखेंगे क्योंकि वो डबल है,
एक छोटे छोटे पॉइंट मैंने इसे ड्राइव सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास अपना सेल होता है, ये सर्किट में करंट प्रोवाइड करता है, और प्लस में इसका जो ए पॉइंट है जीरो में जहां से मैंने वायर स्टार्ट किए उसे प्लस साइड से ही, ध्यान रखना है प्लस टर्मिनल से ही ऐड करेंगे इस वाले साइड को। और अब मैंने बैटरी ज्वाइंट करने बाद एक मैं स्विच लगा दे जो कि क्लोज है, यानी करंट पास हो रहा है। इसके बाद हमने लगाई ये, इसे क्या बोलते हैं, आपने सिंबल पढ़ा होगा अच्छे से, तो इसे बोलते हैं हम रियोस्टेट, आर एच से डिनोट करते हैं। रियोस्टेट क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस। मीन्स ये सर्किट में रेजिस्टेंस का फ्लो देखता है, मतलब करंट का फ्लो देखता है, रेजिस्टेंस को हम बढ़ा और घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे हम इसमें ध्यान रखना है, इस पोटेंशियोमीटर में, इस सर्किट में हमें करंट को सेट करना होता है। माना जैसे हम जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो करंट सेट कर दे 200 करंट कर दी, जितनी भी हमने करंट सेट कर दिया, तो करंट सेट करने के लिए रियोस्टेट का यूज किया जाता है। कहाँ पर यूज होता है, एक और मैं यूज बता दूँ, घर पर फैन है, फैन के बराबर में गोल गोल जो बटन होता है जिसे हम रियोस्टेट बोलते हैं, रेगुलेटर भी बोलते हैं, सो उसी से ही वो भी यही करता है, सेट करता है करंट का फ्लो। सेम सर्किट में भी वही यही काम करने वाला है, ठीक है। अब इसके अदर एंड को मैंने किससे, लास्ट के वायर के लास्ट वाले जॉइंट से ऐड कर दिया, जो 400 वाली थी मेरे पास। जब मैं 10 मीटर ऐड करूंगा तो 1000 आएगा, तो वहां से इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये दोनों ज्वाइंट क्लियर, इसके बीच में आने वाली सारी चीजें क्लियर। अब पॉइंट ए से जो मैंने लगाया, पॉइंट ए मैंने इस वाले से स्ट्रिप्स को बोला है, इसमें मैंने वायर ज्वाइंट की है, यहां से मैं एक गैल्वेनोमीटर या वोल्टेज वोल्ट मीटर लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर काम क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है सर्किट में करंट क्या है कैसा है। सो ये मैं बता दूं, प्राइमरी है सिर्फ मेरे पास सर्किट कैसा है, प्राइमरी, इसलिए मैंने गैल्वेनोमीटर लगा के बता दिया। और इसे बोलते हैं जॉकी। जॉकी क्या करता है, जॉकी क्या कहते हैं, ये जिस वायर में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप चेक करना होता है वहां पर इसे यूज कराया जाएगा। अभी मैं इसके एप्लीकेशन में भी डिस्कस करूंगा। सर्किट में आए सभी चीजें लगभग क्लियर हो गई होंगी, क्या क्या चीजें एग्जाम में से पूछी जाती है, स्ट्रिप्स हो गया, ये मैग्नेन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, बस इसी दो ही कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब मैं वीडियो को इस चैप्टर का इस टॉपिक का रिवाइज करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने आपको ये पॉइंट बताया, ये भी ध्यान रखना है क्या, कि इसमें 10 मीटर मिनिमम यूज करते हैं, 10 मीटर वायर मिनिमम हम कितनी भी ले सकते हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन डिपेंड क्यों क्या फर्क पड़ेगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, वही हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, अभी आपको एक छोटा सा पॉइंट हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ में वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और वी इक्वल में आई आर आता है। ये कहां से आता है, मैं लिख दूं यहां पर ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ लिख सकते हैं आप। ओम्स लॉ में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वी इक्वल में आई आर, लेकिन वी को मैं सेम लिख दूं और आर को चेंज कर सकता हूं रो एल अपॉन ए। कहां से चेंज किया आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आर इक्वल में रो एल अपॉन ए, ये हमने रेसिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस के इफेक्टिंग फैक्टर्स के बाद रेसिस्टिविटी का आर्टिकल किया था, वहां पर फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, याद है ना। तो आर की वैल्यू हमने रख दी रो एल अपॉन ए। अब ये चीजें होती क्या क्या है, और कौन सी चीज कॉन्स्टेंट होगी और कौन सी चीज वेरिएबल होगी, मैं बताऊं। ये इसे बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पर। अब आप बताइए, जो मैंने वायर में मटेरियल यूज किया है, एक ही मटेरियल यूज किया है जिसका नाम है एलॉय, चेंज तो नहीं किया, कभी यहां पर चेंज कर लो यहां पर चेंज कर लो, नहीं, समय सेम है। इट मीन्स मेरे पास रेसिस्टिविटी इस केस में ध्यान रखना है, रेसिस्टिविटी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपको पता है ना, वायर का ये वायर है, वायर का ये वाला पार्ट जहां से काटते हैं वायर को, ये वाले एरिया को यानी कि थिकनेस बोल सकते हैं या एरिया बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन का। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, इस केस में मैंने यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी भी लेंथी वायर लूंगा, एक ही वायर लेनी है यानी कि एक ही क्रॉस सेक्शन की लेनी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होती है, सेम होना चाहिए, कहीं से थिक या थिन नहीं होनी चाहिए। सो यहां पर एरिया भी क्या है मेरे पास, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं करंट, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जब मैं बैटरी लगाऊंगा या ड्राइव सेल लगाऊंगा और रियोस्टेट में क्यों लगा रहा हूँ, पूरे सर्किट में मुझे एक्सपेरिमेंट करते टाइम, एक्सपेरिमेंट के दौरान या कभी भी मैं इसके बारे में रीडिंग लेते टाइम, मैं यहाँ पर करंट सेट कर दूंगा रियोस्टेट से कि मुझे इतना करंट रखना है, बस एक बार सेट कर दे फिर चेंज नहीं करते, ये सभी बेसिक पॉइंट याद रखने हैं। तो यहाँ पर करंट क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। कुछ ऐसे सर्किट जहां पर करंट, इन्हें ऑक्सिलरी वो बोलते हैं सर्किट बोलते हैं, जहां पर करंट हमारे पास कॉन्स्टेंट आ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मेरे पास क्या क्या कॉन्स्टेंट आया, ये तीनों चीजें कॉन्स्टेंट आई, आई रो ए कॉन्स्टेंट आया, एल बचा, क्यों बचा, रीजन है इसका, प्रोपोर्शनल हमारे पास ये कॉन्स्टेंट आ गया। सो या तो मैं इसे के बोल लू या फिर प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा, प्रोपोर्शनल हटेगा कॉन्स्टेंट आ जाएगा के, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वरना मैं इसी को ही के बोल सकता हूं। अब इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट और देखेंगे,
एल हमारे पास कॉन्स्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आप अच्छे सुनिएगा, मैंने 0 से 10 100 सेंटीमीटर यानी कि 10 मीटर सॉरी यानी कि बोल रहा हूं मैं 0 से 100 सेंटीमीटर की वायर ली, कम वायर ली तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा? कम होगा। पोटेंशियल कम वायर में पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा? कम होगा। जहां मैंने वायर की लेंथ बढ़ा दी और पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा? बढ़ता चला जाएगा। यस और नो? क्यों? आप एक बात सुनिएगा, ये 10 मीटर वायर की बात कर रहा हूं मैं, 10 मीटर वायर में लेंथ है 10 मीटर, वोल्टेज भी 10 वोल्ट है, और मैं पूछूं वायर की लेंथ 1 मीटर है तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। यस और नो? यानी कि वायर बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा, इसलिए लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना अच्छे से, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास किसके? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आएगा कांस्टेंट, जिसे बोलते हैं हम के। अब के को मुझे समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा और ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, क्योंकि मुझे के का थोड़ा सा पार्ट और समझाना है। क्या आया हमारा आंसर? वी इक्वल में के एल, वेयर के क्या है? के को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट वर्ड सुना हुआ है? यस, काफी बार सुना है हमने, स्लोप वाले कॉन्सेप्ट में सुना हुआ, फिजिक्स में कहीं पर भी इसका यूज कब होता है? ऐसी जगह पर होता है, पहली बात तो कुछ ऐसे सरफेस पे ऑब्जेक्ट रख दे, मतलब इस सरफेस को स्लोप वाला पोर्शन को बोलते हैं ग्रेडियंट, जब किसी एंगल पर। वरना नॉर्मली आप बहुत अच्छी लैंग्वेज में सुनिए, ग्रेडियंट उसे बोलते हैं जहां पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस कोई भी चीज चेंज हो चली जाए उसके साथ ग्रेडियंट वर्ड यूज किया जाता है। जहां पर कोई भी थिंग्स, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस चेंज होती चली जाए उसे क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट वर्ड ऐड कर देते हैं। यहां पर क्यों ऐड कर गया सुनिएगा अच्छे से, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड। सो के इक्वल में क्या आया? वी अपॉन एल। इट मींस वी कैन से नाउ दैट पोटेंशियल डिफरेंस वी इज गेटिंग चेंज पर यूनिट लेंथ, यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा या नहीं होगा? यस, तो इसीलिए के का नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट रख दिया, क्योंकि ग्रेडियंट की भी मैंने बताया कॉन्सेप्ट यही होता है, डेफिनेशन यही होती है। सो के मेरे पास क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल का, पोटेंशियल मीटर का ये फॉर्मूला है, काफी बार यूज किया जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे हम? क्वेश्चन कर लेंगे इसके, इसके न्यूमेरिकल की वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसके एप्लीकेशन काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो इसकी वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जैसे कि मैं इसके एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा तब आपके साथ हम डिस्कस कर लेंगे आपके डाउट्स को। आई होप सो सारी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना ना भूले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच सकें। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।